नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान की, अन्नदाताओं के आंदोलन की। जानेंगे कि क्या हरियाणा में गिर जाएगी बीजेपी सरकार। बताएंगे कि क्यों छिन सकता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह। और आखिर में बात मोदी राज में बढ़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान में अशोक गहलोत की बड़ी मुश्किल। बीटीपी के दो विधायकों ने गहलोत सरकार से समर्थन लिया वापस। पार्टी ने कहा कांग्रेस ने उसके साथ छल किया। बिहार में अभी तक नहीं हो पाया विधानसभा की समितियों का गठन। विधानसभा अध्यक्ष के सवाल पर तेजस्वी का जवाब, पहले आरजेडी की अध्यक्षता वाली समितियों के बताए नाम, फिर भेजेंगे अपने विधायकों के नाम। दिल्ली में रेलवे की 2.18 हेक्टेयर जमीन निजी कंपनियों को देगी रेलवे। जमीन की लीज के लिए रेलवे ने ऑनलाइन मंगाई बोलियां। 27 जनवरी तक निजी कंपनियां कर सकेंगी आवेदन। 17 दिसंबर को संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा इसरो। हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C50 से होगा प्रक्षेपण। PSLV की होगी 52वीं उड़ान। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। सेंसेक्स 139 अंकों की बढ़त के साथ 46,099 पर। निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ 13,514 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले ही राज्य में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और बंगाल की राज्यपाल ने भी इसे लेकर ममता सरकार को सख्त लहजे में समझाया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दामिनी। चर्चा शुरू करने से पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव 6 महीने के अंदर होने हैं, इसीलिए यहां पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और TMC ने प्रचार में अभी से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लोकसभा चुनावों में जो परिणाम सामने आए थे उसके बाद से ही माना जा रहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव कांटे का हो सकता है। इसी बीच गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले को तथा कथित TMC कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया, जिसके बाद से तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है, साथ ही राज्य के दो प्रमुख अधिकारियों DGP और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब भी कर लिया है। और आज जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ मीडिया के सामने आए तो उनका लहजा भी सरकार को लेकर सख्त था। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को संवैधानिक मर्यादाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हालात खराब नहीं करने चाहिए, उन्हें संविधान का पालन करना होगा। मैं हूँ या मुख्यमंत्री, सभी संविधान के दायरे में बंधे हैं। ममता बनर्जी संविधान से अलग हटकर काम नहीं कर सकती हैं। राज्यपाल ने कहा कि राजनीतिक दल क्या करते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बतौर गवर्नर मेरी कुछ जिम्मेदारी है। संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कानून व्यवस्था का पालन करना, मानवाधिकार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने लिखित में आदेश दिया था कि क्या राज्य की पुलिस राजनीतिक पुलिस हो गई है। राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकारी तंत्र का राजनीतिक तंत्र हो गया है और विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। राज्यपाल और केंद्र सरकार के तेवरों को देखते हुए साफ है कि राज्य और केंद्र का ये टकराव और तेज होगा और बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। राजीव जी, पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हालात हैं उस पर सवाल उठने लाजमी हैं। JP नड्डा के काफिले के साथ घटी घटना को BJP और TMC अपने अपने नजरिए से देख रही है, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल ने आज मीडिया के सामने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, क्या वो सही था? देखिए दामिनी, पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए जिस तरह के सियासी खेल रोज खेले जा रहे हैं वो देखना काफी दुखद है। ये सच है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए BJP पूरी कोशिश कर रही है और उसकी ये कोशिश आज से नहीं बल्कि बीते कई सालों से जारी है। दुर्गा पूजा से लेकर महान हस्तियों पर अपना अधिकार जताने वाली BJP वो सारी चालें चल रही है जिससे बंगाल की जनता को भावनात्मक तरीके से अपने पाले में लिया जा सके। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि उसे सफलता नहीं मिली थी, जबकि बहुत हद तक लोकसभा चुनाव में उसकी कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आई थी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सारे तौर तरीके आजमा रही हैं। वो बार बार BJP को बाहरी साबित करने में लगी हुई हैं। BJP और TMC की ये राजनीतिक खींचातानी अब हिंसक होती जा रही, ये भी हम देख रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए नहीं है।
है सही नहीं है और इसमें राज्यपाल एक कुशल अभिभावक की तरह हालात संभाल सकते हैं, लेकिन दामिनी पश्चिम बंगाल में इसकी कमी भी दिख रही है। बीते दिनों कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने आए और ऐसा लगा कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की हालत जो है उसकी जगह पर दलगत राजनीति हावी होती जा रही है। राज्यपाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार को संवैधानिक मर्यादा का पालन करने के लिए कहा है, लेकिन यही बात राज्यपाल महोदय पर भी लागू होती है दामिनी, क्योंकि राज्यपाल को भी सियासी जाल से बाहर निकलकर अपने कर्तव्य निर्वहन में संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा। बंगाल की जागरूक जनता क्योंकि इन हालात को अच्छी तरह से देख रही है और वक्त आने पर वो अपने मताधिकार का सोच समझकर इस्तेमाल करेगी, ऐसी उम्मीद है। इसीलिए टीएमसी हो या बीजेपी, उसे सत्ता के लिए अपने लालच को किनारे करके जनता के हितों के बारे में सोचना चाहिए। शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हरियाणा पंजाब समेत देश भर के अन्नदाता अब अपने आंदोलन की ताकत और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी भी अब कानून के फायदे बताने के लिए गाँव का रुख करने की तैयारी में है। तो क्या है अन्नदाताओं और बीजेपी का प्लान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। 16 दिन से अन्नदाता सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से समझौते के प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन अन्नदाताओं ने इन्हें खारिज कर दिया और वो चाहते हैं कि सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस ले ले। सरकार पर दबाव बनाने के लिए वे अपने आंदोलन को तेज करते जा रहे हैं। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से अन्नदाताओं का सिंघू बॉर्डर पर आने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। लगभग 30,000 अन्नदाताओं का एक जत्था सुबह राष्ट्रीय राजधानी की ओर रवाना हुआ। वहीं इस दौरान 700 ट्रैक्टर ट्रेलर बसों कारों और मोटरसाइकिलों पर खाने पीने के सामानों के साथ अलग अलग संगठनों से जुड़े अधिकांश अन्नदाता ने अमृतसर शहर से अपनी यात्रा शुरू की। अन्नदाता लगातार सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं अब सरकार की ओर से बीजेपी ने इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। बीजेपी देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और अन्नदाताओं को इसके बारे में समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पर अन्नदाता सम्मेलन भी करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कृषि कानून पर अन्नदाता सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो सरकार भी अब अड़ गई है कि वो कानून तो वापस नहीं लेगी। थोड़े बहुत संशोधन हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का ये रुख हरियाणा में बीजेपी गठबंधन सरकार पर भारी पड़ सकता है। तो क्या सीएम खट्टर की जाने वाली है कुर्सी, देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन लगातार 16 दिन से जारी है। अन्नदाताओं को सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, वहीं बीजेपी के सहयोगी भी किसानों का साथ दे रहे हैं। ये समर्थन बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। खासकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि जेजेपी ने अब साथ छोड़ने की चेतावनी दे दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसान को उसकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो वो पद त्यागने वालों में सबसे पहले होंगे। जब तक वो सरकार में हैं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जरूर उठाएंगे और आश्वस्त करेंगे कि किसानों को उनकी फसल के लिए MSP मिलती रहे। जिस दिन वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं रह जाएंगे तो अपना पद छोड़ देंगे। चौटाला ने कहा कि हम किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर बाजरे की फसल खरीद रहे हैं और अधिकारियों को और अधिक फसल खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले। चौटाला का ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अब तक वो केवल दबी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने अपना पद छोड़ने की बात कही है। अगर वाकई चौटाला अपनी बात पर अमल करते हैं तो सीएम खट्टर की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। बिना जेजेपी के बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती, उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। यही वजह है कि खट्टर को चौटाला के साथ की खास जरूरत है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर चौटाला अब बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये गठबंधन बना रहता है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार मुश्किल में फंसी है, तो दूसरी ओर उसका चुनाव चिन्ह भी मुश्किल में फंस गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी को कमल का फूल चुनाव चिन्ह दिए जाने को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। तो क्यों मुश्किल में है बीजेपी का चुनाव निशान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजनीति में राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, चुनाव आयोग भी चुनावों के दौरान इस पर सख्ती दिखाता रहा है।
बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल है और कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस निशान को 40 सालों से इस्तेमाल करती आ रही है। राष्ट्रीय फूल के राजनीतिक इस्तेमाल का ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है। इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल चुनाव के निशान के तौर पर कैसे दे दिया गया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्यों ना बीजेपी को राष्ट्रीय फूल के इस्तेमाल से रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि चुनाव चिन्ह सिर्फ चुनाव के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव के अलावा भी अन्य कामों के लिए हो रहा है। हाई कोर्ट में ये मुद्दा भी उठा है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह को लोगों के रूप में प्रचारित करने की छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों को पहले से कोई चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं होता। उन्हें नामांकन वापसी के तारीख निकलने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होनी है। बीजेपी के पास चुनाव चिन्ह कमल का फूल बना रहेगा या फिर उसे मिलेगा कोई दूसरा निशान, ये कोर्ट के फैसले के बाद साफ होगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार बिहार में फैसले नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद सरकार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। सीएम जरूर नीतीश हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में नीतीश ने अब जेडीयू को मजबूत बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है नीतीश का प्लान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या बिहार में नीतीश कुमार करेंगे बड़ा उलटफेर? क्या बीजेपी से अलग हो जाएगी जनता दल यूनाइटेड? ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से बिहार में नई सरकार बनी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है तब से ही उन्होंने एक खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। नीतीश की खामोशी से जितना जेडीयू परेशान है उससे ज्यादा चिंतित बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि पलटी मारना नीतीश कुमार की आदत बन चुकी है। 2010 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव जीते, लेकिन बीच में ही बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। 2015 में आरजेडी से गठबंधन करके जीत मिली तो नीतीश ने बाद में सरकार बीजेपी के साथ बना ली। ऐसे में बीजेपी को डर है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार को ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर का दल कैसे बन गई। अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार आत्ममंथन कर रहे हैं। इस मंथन में वे हार के मूल कारणों को तलाश कर उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2010 के चुनाव के बाद से जेडीयू के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। 2010 में नीतीश कुमार की जेडीयू को 115 सीटें मिली थीं। 2015 में ये संख्या घटकर 71 रह गई और 2020 में तो पार्टी सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई, जिसके बाद से नीतीश कुमार की चिंता वाजिब ही है। इसीलिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद ही नीतीश बाबू ने उपेंद्र कुशवाहा को बुलावा भेजा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद के जरिए कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि कुशवाहा भी इस ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं और अगर कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आ गए तो जेडीयू को मजबूती मिलेगी। बिहार में कुर्मी जाति की आबादी 4% तो कोयरी जाति की आबादी 8% है। इन्हें लवकुश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना होगा कि नीतीश आत्ममंथन के बाद किस नतीजे पर पहुंचते हैं और बीजेपी का साथ छोड़ते हैं या नहीं। नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन काफी पुराना है। ये लोग साथ साथ चुनाव लड़ते रहे हैं, इस पर कोई आश्चर्य नहीं करता, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में भी गठबंधन हो सकता है, वो भी चुनाव के लिए। ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन ये भी संभव है और हुआ है राजस्थान में। तो कैसे मिलाए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन, जरूरी होती है तो सत्ता। अब ये सत्ता कैसे भी मिले, चुनाव के वक्त कोई भी किसी का हाथ थाम लेता है। अब तक एक दूसरे के धुर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी ही साथ आ गए हैं। दरअसल जिला प्रमुख पद का चुनाव हाथ ने कमल थाम कर लड़ा है, जिसमें उसे जीत मिली है। निर्दलीय नामांकन भरकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी की सूर्या आहारी ने कांग्रेस के समर्थन से
बीटीपी समर्थित पार्वती को एक वोट से हराकर जिला प्रमुख पद पर जीत हासिल की है। दरअसल जिला परिषद की 27 सीटों में से बीटीपी समर्थित 13 निर्दलीय जीत कर आए थे, वहीं कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते थे। इधर जिला परिषद सीटों में सर्वाधिक सीट बीटीपी समर्थित होने के चलते जिला प्रमुख चुनाव में बीटीपी को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया। यही वजह थी कि जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार सूर्या आहारी को निर्दलीय के रूप में नामांकन भरवाया। दूसरी ओर बीटीपी समर्थित पार्वती ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मतदान हुआ और मतगणना हुई, जिसमें भाजपा से निर्दलीय प्रमुख का चुनाव लड़ने वाली सूर्या आहारी को बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 6 मत सहित कुल 14 वोट मिले, जबकि बीटीपी समर्थित उम्मीदवार पार्वती को 13 मत मिले और एक वोट से सूर्या आहारी जीत दर्ज करते हुए जिला प्रमुख बनी। उनके प्रमुख बनने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जीत मिली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों पार्टियां साथ में जीत का जश्न मना रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती बेरोजगारी की। महामारी के दौर में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, ना ही अर्थव्यवस्था ऊपर आ रही है और ना ही बेरोजगारी नीचे जा रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तो आलम यह है कि लगातार लोगों की नौकरियां छिनती जा रही हैं। आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि देश में नहीं है रोजगार, क्या कर रही है सरकार? ये देश चलेगा कैसे? लोगों का काम होगा कैसे? क्या खाएंगे, कैसे रह पाएंगे और कैसे कमाएंगे? यह सवाल हर आम नागरिक के जहन में है, क्योंकि देश में रोजगार लगातार घटता जा रहा है। आज भी आंकड़े जनता की मुश्किलों को बढ़ाने वाले सामने आए हैं। नवंबर में रोजगार में 0.9% की गिरावट आई है। लगभग 35 लाख नौकरियां खत्म हो गई है। बेरोजगारी में अक्टूबर की तुलना में ज्यादा तेजी आई है। इससे ऐसा लग रहा है कि रोजगार में रिकवरी फेज खत्म हो गया है और एक बार फिर बेरोजगारी बढ़ सकती है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में लगातार रोजगार दर में कमी इकोनॉमी में कमजोर रिकवरी को दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छी रिकवरी के बावजूद मार्च 2020 से रोजगार में लगातार गिरावट का ट्रेंड है। मार्च 2020 के बाद हर महीने इसके पिछले साल की तुलना में रोजगार में गिरावट का दौर जारी है। रोजगार इस महीने में कहीं से भी पिछले साल के स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। CMIE का कहना है कि नौकरी के कारण लोग हतोत्साहित हो रहे हैं और एक्टिव लेवल मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। यह आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश की हालत किस कदर खस्ता हो चुकी है। लोग रोजगार पाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।